सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो जब से हनी पाजी को गोल्डी ब्रार के नाम से धमकी मिली है, हर एक फैन गवर्नमेंट से बस एक ही चीज की डिमांड कर रहा था और वो है योयो हनी सिंह को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। जिस दिन ये न्यूज सामने आई थी उसी दिन योयो के हर एक फैन ने ट्विटर पे कुछ इस तरह सिक्योरिटी की मांग की थी और योयो हनी सिंह का हैशटैग भी ट्रेंड कराया था। सो गुड न्यूज ये है कि अपने हनी पाजी को फाइनली सिक्योरिटी मिल चुकी है। जी हाँ, कल रात हनी पाजी का जो लाइव शो हुआ था वहाँ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप लोग स्टेज पे हनी पाजी के साथ साथ पुलिस वालों को भी देख सकते हो। सो ये न्यूज काफी ज्यादा अच्छी है कि अपने हनी पाजी को फाइनली सिक्योरिटी मिल चुकी है एंड होपफुली वो जहाँ भी अब जाएंगे उनके साथ ये सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। खैर, इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। मतलब दिल्ली पुलिस का मानना है कि हनी पाजी को ये जो धमकी वाला कॉल आया था वो गोल्डी ब्रार की तरफ से नहीं बल्कि किसी और ही गैंग का लग रहा है जिसने गोल्डी ब्रार का नाम सिर्फ और सिर्फ धमकाने के लिए लिया था। क्योंकि अगर ये कॉल गोल्डी ब्रार की तरफ से होता तो वो करोड़ों रुपए कमाने वाले से सिर्फ 50 लाख रुपए नहीं मांगता। छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह से गोल्डी ब्रार के नाम पर किसी दूसरे गैंग ने जबरन वसूली की डिमांड की। खबर है कि पुलिस इस नए एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई। पहले हनी सिंह ने यह आरोप लगाया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने जबरन वसूली के लिए उन्हें फोन किया और न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनी सिंह से फोन पर 50 लाख रुपए की जबरन वसूली की डिमांड रखी गई, लेकिन खबर है कि इसी रकम ने पुलिस के शक को गहरा दिया। क्योंकि हनी सिंह अपने गानों से हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं जबकि उनसे सिर्फ 50 लाख रुपए ही मांगे गए। वहीं सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इससे पहले करोड़ों की जबरन वसूली का आरोप है। ऐसे में ये काम गोल्डी ब्रार के नाम पर किसी दूसरे गैंग या किसी गैंग से जुड़े बदमाश का हो सकता है। खबर है कि ये एंगल सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस गैंगस्टरों के नेटवर्क खंगालने में जुटी है। सो ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का मानना है कि धमकी वाला कॉल जो आया था उसके गोल्डी ब्रार की तरफ से होने के चांसेस थोड़े कम है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। लेट्स सी इसको लेके आखिर क्या कुछ अपडेट सामने आती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने कल रात का हनी पाजी का लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख लो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।